हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखिए मैं आपसे एक कांतापुरम नोवेल है, ये राजा राव के द्वारा लिखा गया है, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। तो देखिए चलिए बात करते हैं। ये जो राजा राव हैं ये फ्रेंच से पढ़े थे, वैसे अपने एएमयू से भी इनका ताल्लुकात रहा था, है ना। हम भी एएमयू के स्टूडेंट्स हैं। मैंने तो बात यह है कि देखिए ये एएमयू से पढ़ के गए थे और उसके बाद ये फ्रेंच, मतलब ये फ्रेंच किया, फ्रेंच इनको लैंग्वेज आती थी, लेकिन ये इन्होंने इंग्लिश में भी वर्क लिखे हैं। और ये आपके साउथ इंडिया के पार्ट से रहे हैं ये, है ना, मैसूर के पार्ट से रहे हैं, मैसूर की साइड से। तो ये है इनके बारे में, देखिए इनका ये लाइफ, ये डेट ऑफ बर्थ है 1906। ठीक है, अब देखिए चलिए अवार्ड के ऑथर बात कर लेते हैं। ऑथर के बारे में, इंडियन अमेरिकन थे ये, राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थे, नोवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी उन्होंने, हुज वर्क्स आर डीपली रूटेड इन मेटाफिजिक्स। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम मैसूर हैदराबाद, ये मैंने बता ही चुका हूँ आपको। कनाडा फैमिली से थे ये, ठीक है, ब्राह्मण थे ये, एंड स्टडी फ्रेंच लिटरेचर एंड हैड बीन एल्यूमिनस ऑफ एएमयू अलीगढ़। ये मैं आपको लिख ही चुका हूँ, बता ही चुका हूँ आपको, एल्यूमिनस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ठीक है, ये है इनके मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब ये बात मान के चलिए आपके, है ना, ये वर्क के अकॉर्डिंग लिखते थे, है ना। जैसे मेटाफिजिकल का मतलब ये हो गया कि जो जो वर्क दिए गए, जो लिटरेचर लिखी गई है, उसको ये अध्ययन करके उसके बारे में लिखते थे आप, एक तरह के क्रिटिकल से मान के चलिए आप। तो इनका जो देखिए तीन राइटर हैं, वैसे तो और भी राइटर हैं, राजा राव, है ना, मुल्क राजा आनंद और आर के नारायण। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, लेकिन इन्होंने, मैं रविंद्रनाथ टैगोर को भी इंक्लूड करूंगा, मैं पांच राइटर को इंक्लूड करूंगा, तो आप चार मान के चलिए, एक राइटर और हैं उसमें। इन लोगों ने ना इंडिया की जो आज़ादी थी उसके लिए काम किया। अब देखिए ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया की आज़ादी ना, रिसर्च से ये पता पड़ा है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती तो हम लोग आज़ाद होने में बड़ी मुश्किल होती है हमें, और हो सकता है कि ना भी हो पाते, क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई। इन द सेम वे ये कांतापुर, तो इन लोगों ने जो, इन राइटर्स ने जो काम किया, इन्होंने उस दौर को देखा है जिस दौर में हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के अंदर अवेयरनेस आई थी। तो सेम वही तरीका है। ठीक है, तो देखिए इनके वर्क है, कांतापुरा 1938 में लिखाई गया, सरपेंट एंड द रोप भी लिखा गया 1960 में, ये बाद में लिखा गया, द कैट एंड द शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया 1965 में, ये मतलब एक टेल ऑफ इंडिया है मतलब ही। ठीक है, और भी इनके, इन्हें मतलब एक, मुझे इन्हें सारे ही अवार्ड मिले थे, बस एक इन्हें भारत रत्न नहीं मिल पाया है। साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, इंडिया थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और न्यू स्टैंड इंटरनेशनल प्राइज लिटरेचर पद्म, देखिए पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला ही इन्हें, है ना, हाइएस्ट अगर मतलब इन्हें बस वो ही नहीं मिल पाया है। इट जस्ट, अब लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस नोवल कांतापुरा। तो ये गांधी की फिलोसफी से याद होता है। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि है क्या मामला इसमें, बहुत ही हैं नोवेल्स हैं इसमें, मतलब तरीका है, लेकिन इसमें जो दो तीन करेक्टर हैं वो आप इनको लिखे, अचाका है, मूर्ति है, रत्ना है। अचाका जो है एक वो औरत है, ओल्ड लेडी, जो जिसके थ्रू ये नोवेल्स आपको सुनाया जा रहा है, है ना। मूर्ति जो है वो एक वो इंसान है, वो एक आदमी है जो यंग मैन है, जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए गया था, लेकिन वो वहाँ गांधी की फिलोसफी से इन्फ्लुएंस हो चुका है और अब वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए काम करना चाहता है। वो सेल्फ के लिए नहीं, बल्कि वो सब लोगों के लिए काम करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू वर्क फॉर द पीपल, ना कि अपने लिए। उसकी माँ को ये उम्मीद थी कि वो जॉब करेगा, वो करेगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया। रत्ना भी एक लड़की, वो यंग लड़की है जो, जिसकी शादी हुई थी, उसके फौरन बाद उसका हस्बैंड का इंतकाल हो गया, है ना, तो वो मतलब अब वीडो है, अब वो अपने आप को वीडो नहीं मान सकती है, लेकिन लोग उसे, क्योंकि उस छोटी कास्ट से रत्ना, तो लोग उस तरीके से उसे मतलब मान के चलते कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, है ना। लेकिन ये बात कहीं नहीं दी जाती है और वो इस मूर्ति के साथ काम करती है। और देखिए ह्यूमन का जो इमोशंस है ना, वो इस तरीके से सप्रेस्ड होते हैं
वी कांट डिस्क्लोज द मैटर व्हाट इज इनसाइड गोइंग अस, है ना, व्हाट इज गोइंग इनसाइड अस, है ना. हमें किसी से मतलब कुछ फीलिंग्स होते हैं ना तो हम किसी कहते नहीं, तो वही से बात है. लेकिन एज अ बींग स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर इट इज बी रीड और बी स्टडी दीज वर्क्स इन अ क्रिटिकल वे, व्हाट इज देयर वे टू फाइंड इट आउट. तो ये मतलब बात, तो उससे हमें पता पड़ता है कि एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे इम्प्लिसिटली सीज इन लव विद मूर्ति, ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली होती है. तो ये तरीके से अब देखिए मैं आपसे बात करता हूँ इसके बारे में अबाउट द नोवेल, है ना. तो देखिए ये जो है ना, ये जो दिया गया, देखिए ये वाला मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ. ये वाला जो यहाँ से पार्ट है ये फॉरवर्ड से लिया गया है ना, ये फॉरवर्ड टू कांथाबुरा से लिया गया है, ठीक है. ये मुझ पर लिखा नहीं आ रहा है यहाँ, लेकिन ये फॉरवर्ड से लिया गया है, ठीक है. मैं भूल ही गया हूँ लिखना. तो पता है आपको फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड आपका ये है FORWARD, ठीक है, फॉरवर्ड से लेके फॉरवर्ड टू कांथापुरा. तो फॉरवर्ड में क्या है, यहाँ साथ लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. ये क्या मेरे पास, अच्छा ये है, चलिए ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी. तो ये जो लाइन है इसमें ये जो क्या नाम है, राजा राव जो हैं वो बताते हैं हमें ये कि वो हमें यहाँ पर हमें बता रहे हैं, इसमें उन्होंने हमें ये बात बताई है कि किस तरीके से ये नोवेल लिखा है उन्होंने, ठीक है ना. ये एक ऐसा होता है ना, तो उसमें इन्होंने ये बात राजा राव सेज दैट, है ना, व्हाट ही सेज सेज दैट. अब ये यहां से आप मान के चलिए कि ये किस तरीके से है, ये बात वो कह रही है. राजा राव सेज दैट द टेलिंग हैज नॉट बीन इजी, वन हैज टू कन्वे इन अ लैंग्वेज दैट इज नॉट वंस ओन. The spirit that is one's own, one has to convey the various shades and commission. अब देखिए इसको पढ़िए. कहने का मतलब ये है कि हमारी दादी जो नानी हमें कहानी सुनाती थी, मैं उसी कहानी को, उसी तरीके को, जो इंडिया का एक कल्चर रहा है कि हम लोग रात को सो रहे हैं पेड़ के नीचे और हमें कहानी हमारी दादी नानी सुना रही, दादा हमारी कहानी सुना रही, तो वही उसी तरीके से मैंने यहाँ एक जो लिखने का तरीका है वो मैंने यूज़ किया है. ये डिकोलोनाइजिंग द माइंड का मतलब ये पर्सपेक्टिव है ये, ठीक है. तो मैं बताऊंगा आपको, डिकोलोनाइजिंग द माइंड भी समझिएगा, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज भी देखिएगा आप, इन वर्ड्स को आप देखिए उसमें. तो वाली बात है कि मैं तरीका यूज कर रहा हूँ हिंदुस्तान कल्चर के थ्रू, मैं यूज कर रहा हूँ बात को, क्योंकि यह हिंदुस्तान कल्चर का सराह के हम इसी तरीके सुनाते हैं. और जो कहानी लिखी है ना, महाभारत देख लीजिए, महाभारत उसमें कोई वो नहीं है फुल स्टॉप और वो, लेकिन बस यूं ही कहानी चलती है पूरी. इन द सेम वे मैं ये बात फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो नोवेल है ये एक ओरल फॉर्म में लिखा गया है और इस पर फेमिनिस्टिक पर भी जोर दिया गया है. क्यों, अलग कहानी है, लेकिन इसके लिए ये भी, क्योंकि अच्छा का इस नोवेल की स्टोरी टेलर है इसलिए, ठीक है. अब देखिए क्या लिखा गया है कि द टेलिंग हैज नॉट बीन ईजी, वन हैज टू कन्वे इन अ लैंग्वेज दैट इज नॉट. अब हम इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं जबकि इंग्लिश जो है ना वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, समझ रहे हैं आप. इंग्लिश जो हमारी एक लैंग्वेज नहीं है, वन हैज टू कन्वे, उस लैंग्वेज में कन्वे करना है जो कि हमारी लैंग्वेज नहीं है. लेकिन स्पिरिट जो है, जो हमारा जमीर है, वो हमारी कॉन्शियसनेस हमारी है. लेकिन द वेरियस साइड्स एंड ओमिशन ऑफ सर्टेन मूवमेंट दैट लुक मल्टीटेड एलियन लैंग्वेज, आई यूज द वर्ड एलियन, है ना. अब देखिए एलियन यूज हम कर रहे हैं किसके लिए, एलियन, येट इंग्लिश इज नॉट अ रियल एन एलियन लैंग्वेज टू अस. अब हमारे लिए इंग्लिश इज नॉट अ न्यू लैंग्वेज टू अस और फॉर अस, है ना, क्योंकि हम वी हैव लर्न दिस लैंग्वेज ना, वी हैव अडेप्टेड दिस लैंग्वेज, इट इज़ द पार्ट ऑफ आर इंटेलेक्चुअल. लेकिन क्या कह रहा है, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ आर इंटेलेक्चुअल मेकअप. ये हमारे हमें इसने हमें इंटेलेक्चुअल हमें दिया है, ऐसी बात नहीं है. लाइक संस्कृत तो पर्शियन जैसे पहले थी, बट नॉट ऑफ आर इमोशनल मेकअप. लेकिन ये हमें इमोशनली हमें नहीं देते. जैसे कि आप कहीं अपने घर से दूर रह रहे हैं आप,
आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, फैसिलिटी मिल रही हैं आपको, यू आर कंफर्टेबल देयर, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं लगता है वहाँ, क्योंकि आपके लिए इमोशनल मेकअप नहीं होता है आपका, है ना। आपके जैसे अब आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं तो आपको नॉर्थ इंडिया वाला कल्चर नहीं मिलेगा, आपको सब कंफर्टेबल मिलेगा, लेकिन अंदर से आपको ये लगेगा कि पता नहीं मैं कहाँ रहना हूँ। आप इंडिया में देख लीजिए, आप हम यहाँ केरला मलप्पुरम वाले सेंटर पर रह रहे हम रह रहे हैं यहाँ, तो हमें भी ऐसा लगता है, सेम बात है। वी आर ऑल इंस्टिंक्टिवली बाइलिंगुअल, हम सब लोग हम एक लैंग्वेज नहीं बोलते भाई, हम मैनी ऑफ अस राइटिंग इन आर ओन लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश, कुछ लोग अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। वी के नॉट राइट लाइक द इंग्लिश, और हम लोग इंग्लिश ब्रिटिशर की तरह नहीं लिख सकते और ना ही हमें ये अच्छी लिखनी चाहिए। वी कैन नॉट राइट ओनली एज इंडियंस, ये नॉवल्स ना बहुत बड़ा है ये, लेकिन मैं इसको छोटे वीडियो में बना के भेज रहा हूँ आप। वी कैन नॉट राइट लाइक इंग्लिश, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, हमें इंग्लिश अपनी तरीके से यूज़ करनी है, अपने कल्चर के लिए यूज़ करनी है। वी हैव ग्रोन टू लुक एट द लार्ज वर्ल्ड, और अब हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट हैं, हम इंडिया लैंग्वेज को इंडियन की उसी तरीके से नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम भी भाई खुद अब इंडियंस नहीं रहे हैं। और ये बात फिर आगे मैं आपको वो करूँगा अबाउट द नोवल। अब देखिए टाइम, और ये लिखा गया टाइम ओनली अलोन विल जस्टिफाइड इट आफ्टर लैंग्वेज द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ द स्टाइल। अब उन्होंने लैंग्वेज का खत्म करते हुए कह रहे हैं कि स्टाइल में कौन सी यूज करूँ बताओ आप। द टेम्पो ऑफ इंडियन लाइफ मस्ट बी इन्फ्यूज इन आर इंग्लिश एक्सप्रेशन, ये कह रहे हैं कि मैं अगर आपको इंग्लिश में कहानी सुना रहा हूँ तो भी आपको ये लगना चाहिए कि बंदा हिंदी में कहानी सुना रहा है। इवन एज द टेम्पो ऑफ अमेरिकन और आयरिश लाइफ हैज गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दिस, और जो लोग आयरिश वाले और अमेरिकन वाले हैं उनका भी अपना अपना कल्चरल एलिमेंट होते हैं ना लैंग्वेज के अंदर। बी इन इंडिया थिंक क्विकली, देखिए ये लैंग्वेज, आप इस लैंग्वेज को देखिए, इस लाइन को देखिए आप, बी इन इंडिया थिंक क्विकली, बी टॉक क्विकली एंड व्हेन बी मूव क्विकली, समझ रहे आप। ये हमारा है कि भाई हम ऐसा करते हैं, देयर मस्ट बी समथिंग इन द सन ऑफ इंडिया दैट मेक्स अस रश एंड टंबल एंड रन। ये ऐसा कुछ है इंडिया के सूरज में जिसने हमें एनर्जी दी है, जो हमें एनर्जाइज करता है, जो हमारे लिए एनर्जेटिक है। कांतापुर नोवल इज अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ, अब ये सारी बात करके यही इसी में दिया गया सारा निचोड़ जो है। अब आप आगे पढ़ेंगे पूरी कहानी को। कांतापुर नोवल इज अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी फिलोसफी ऑफ हिंदू स्वराज अमंग कॉमन पीपल, हिंदू स्वराज में भी आपको इसी तरीके से कहानी मिलेगी। एक हिंदू स्वराज में नोवल लिखा गया है, मतलब वैसे बोलते हैं, इसमें नोवल में आपको ये बताया गया है कि इंडिया में किस तरीके से आम आदमी के बीच में स्वराज का कंसेप्ट पहुंचा, गांधी का, नेहरू जी का कंसेप्ट पहुंचा। लोगों ने, आम आदमी ने, छोटी जाति के लोगों ने, ट्राइबल्स पीपल ने भी, औरतों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तब हिंदुस्तान आज़ाद हो पाया। तो इसमें उसकी झलक मिलेगी आपको, कनाडा का इधर का जो ब्लेजर वहाँ का कंतपुरा, तो इंडिया वॉज डिवाइडेड क्लासेस, और इंडिया अपने आप ही खुद डिवाइड होता रहा है भाई, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर एक, यही बात आपको अ पैसेज टू इंडिया ईएम फॉस्टर का नोवेल है उसमें भी यही बात मिलेगी आपको। लास्ट में जो वाला नोवेल लास्ट में लाइन आती है जो, लेडी अचाका इज द स्टोटल होटल्स द होल विलेज कांतापुरा एंड इट्स गोडा कंचमा कंचमा पूर्व की, है ना, कंचमा की कहानी सुनाई जाती है उसमें। तो रत्ना का करेक्टर है वो सब, इसमें मेन करेक्टर देखिए ये है। राइटिंग स्टाइल कैसी है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लिखा गया, डीप कॉलोनियल माइंड से लिखा गया, पोस्ट कॉलोनियल लिखा गया, पीपल कोऑर्डिनेट शब्द यूज करिए। देखिए क्या लिखा गया कि इट मे हैव बीन टोल्ड ऑफ एन इवनिंग व्हेन द डस्क फॉल्स एंड थ्रू द सडन क्वाइट लाइट्स, ये सब वही वाला यूज किया गया है, ठीक है, एंड ऑफ द नोवेल। अब पता देखिए जैसे हिंदुस्तान की फिलोसफी चली हिंदुस्तान के आज़ाद होने में, सेम तरीके से यही चला, लोगों को ये लगने लगा भाई के जिस तरीके से हिंदुस्तान में गांधी जी के नेहरू जी के बीच में आइडियाज में कन्फ्लिक्ट थी, जिन्ना भाई के जिन्ना के उनके आइडियाज में कन्फ्लिक्ट थी, सेम तरीके से इस नोवेल में हुआ है। गांधी की फिलोसफी छोड़ के नेहरू की फिलोसफी पे आया गया है। तो फ्रांस में रह के राजा राव ने इंडिया में के लिए नोवेल लिखा था, उन्होंने इंडिया की बात को समझने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, ये बहुत बड़ा काम था उस टाइम पर।
आप लोग उस नॉवल को पढ़िए, कम से कम कुछ नहीं पढ़ते हैं तो आप थोड़े से समझ देख लीजिए आप। और बात यह है कि आप उस पहले फॉरवर्ड टू कांतापुरा पढ़ लीजिए, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि एट लास्ट दिस नॉवल गिव्स एन आइडिया दैट हाउ स्वराज इज द आइडिया ऑफ मेकिंग इंडिया इंडिया नोशन वॉज रीच्ड अमंग पीपल एंड हाउ डिड दे पार्टिसिपेट इन इट। इवन द पार्ट्स फ्रॉम बोन स्टोन मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने तो ये इस तरीके से लिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, ठीक है आप लोग देख सकते हैं। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।